पूर्णच वेगळं आहे, त्यामुळे ते म्हणजे काहीतरी काहीतरी सब्जेक्टच आणि तिरपांगडच आहे सगळं. मैं मतलब ये बताऊंगा नहीं रोल क्या है. रोमांटिक मतलब वो अपेरेंटली आपको लग रहा है, एक्चुअली वो कुछ अलग ही है वो जो फिल्मों में है कुछ, तो वो अलग है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा. ये भी कहना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि मतलब आर्मी मैन के लिए कर रहे हैं, फार्मर के लिए पहले भी कर चुके हैं आपका बहुत कुछ, तो ये सब चीज़ प्रेरित करेगा इंडस्ट्री के और लोगों को, क्योंकि इस सारे लोग हैं आपका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का. मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, पिछले साल जो पैसे दिए हुए हैं वो सभी लोगों ने, 60 करोड़ रुपये दिए हैं, वो मेरे अपने नहीं थे, वो सब आप लोगों ने दिए हुए पैसे हैं, तो ये क्रेडिट आप खामखा मुझे मत दीजिए, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हम सभी मिलके, मकरंद है, हमारे बाकी के लोग हैं, राजू है, हमारी महाजन है शुभा, तो हमारे बखे सभी लोग हैं. और रही बात पैसे की, मुझे तब हक बनता है कि मैं अपने जेब में हाथ डालूं, मैं कुछ पैसे दूं, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपको देना चाहिए, अगर देंगे तो बेहतर होगा. और ये कोई पैसे मांग नहीं रहे हम, मैं कहता हूं कि हमको वो एहसास होना चाहिए हमारे जवानों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम बदौलत उनके हैं, तो इतना सा छोटा सा, और ये कोई लाखों और करोड़ों रुपए देने की बात नहीं है, आपको जितना समझता है आपको, ताकि ये 2.5 लाख रुपए जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके घर वालों को जब पहुँचेंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे तो है नहीं, लेकिन जो जब हमारे जवान अभी है उन्होंने जब वो देखेंगे ये, तो उनको लगेगा कि एक समाज को हमारे प्रति एक कुछ आस्था है, तो ये संदेश बहुत ज़रूरी है. सिर्फ इससे नहीं चलता ना, पैसों से नहीं होता कि हम हैं भाई, पिछले साल ऐसे थोड़ी हमने किसानों को कितने 60 करोड़ में हम क्या करेंगे, लेकिन जो एक्सकवेशन हुआ है, नदी नाले जो हमने किए हैं, गहराई उसकी चौड़ाई और लंबाई जो 580 किलोमीटर हुआ है, सरकारी इसमें उसका दाम 200-250 करोड़ होता था, हमने 12.5 करोड़ में किया है, ताकि लोग सहभाग था, लोगों ने उसमें सहभाग दिया है, काफ़ी लोगों ने पॉकेट में पोकलेन दिए हैं, जेसीबीज दिए हैं, डीजल के पैसे किसी ने भर दिए, तो एक जो मूवमेंट होती है तो उसके लिए एक अकेला आदमी जिम्मेदार नहीं होता, सभी लोग होते हैं, पूरा समाज होता है. राजनीति में मेरे खून में है नहीं, मुझे मेरे जहन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, राजनीति में वो चलता नहीं, तुम्हारे मन में कुछ होता है और तुमको अलग कुछ बोलना पड़ता है, वो तो मुझसे होगा नहीं. प्रोजेक्ट्स कोई नहीं है, जब अभी मुझे ज़्यादा काम उसमें दिलचस्पी है कि किसानों के और जवानों के लिए, तो बरस में एक भी फिल्म की तो बहुत हो जाती है यार, और बहुत किया यार पिछले 45 साल से कर रहा हूँ, 50 साल. दादा हो गया? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा वो किसी का लिखा हुआ है, मैं सिर्फ रट के बोलता हूँ यार. मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, मेरी एक ही पार्टी है, मैं खुद. हाँ नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी को मैं ये नहीं देता. मैं वो क्या है, आज मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दे दूँ मैं वोट, और दो दिन में आप साबित कर देते हैं कि नहीं मुझे मत दो. वो गलत, किसी पर हमला होना ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सेंसरशिप सही नहीं है. सुरक्षा की कमी है? सुरक्षा की कमी नहीं है यार, अभी तुम्हारे से तो इसमें से कोई एक लोग, एक बंदा कोई मेरे सर पे कुछ मार दे तो उसको क्या करेंगे हम, समझ में आता है ना. तो अभी इस भीड़ भेड़ चाल में हमको कोई मार देता है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा ना. तू अभी उठा के मुझे कुछ मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम गलत करते हो. जब समाज देखता है, दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, तो तुम्हें उनको तो मालूम तो होता है ना कौन सही है कौन गलत है. पहले तो एक ही